नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी। मैं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, आपका दोस्त सलाहकार। एस्ट्रोलॉजर रुद्राक्ष और जेमस्टोन के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आज का चर्चा का विषय है कि कैन रुद्राक्ष बी गिफ्टेड, क्या रुद्राक्ष को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। गिफ्ट रूप में किसी का बर्थडे होता है देते हैं, एनिवर्सरी होता है हम गिफ्ट देते हैं, अलग अलग मौक़ों पर चीज़ों को देखते हुए, शादी ब्याह हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक हमारे, जब लोग मिलते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या है? उपहार है। उपहार क्या है कि आप उन व्यक्ति को चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उन्हें कुछ देना चाहते हैं, आप देने से आपको खुशी मिलती है। क्यों ना आप ऐसी चीज़ को दीजिए जो कि बहुत ही प्रभावशाली हो और जो कि लोगों की भला करने वाले हो। देने से पहले ये देख लीजिए कि आप जिसको दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। आप जैसे किसी बच्चे के बर्थडे में जा रहे हैं तो बच्चों को क्या चाहिए? विद्या, नॉलेज। आप उनको जो रुद्राक्ष विद्या से संबंधित है वो रुद्राक्ष दीजिए। उनका बुद्धि को प्रखर करने के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। बृहस्पति को ज्ञान को स्ट्रांग करने के लिए 5 मुखी दे सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप जानते हैं कि किसी के आप गए हैं, एनिवर्सरी में गए हुए हैं, या आप ऐसे ही किसी घर में गए हुए हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं, आपको मालूम है कि पति पत्नी में कुछ अनबन चल रही है, क्या करना चाहिए आपको? अनबन चल रही है तो आप 7 मुखी 13 मुखी शुक्र के लिए रुद्राक्ष उनको दे भेंट कर दीजिए, गौरी शंकर उनको भेंट कर दीजिए, दोनों के संबंध में मधुरता आएगी। आपके किसी संबंधी हैं, परिचित हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, जानते हैं कि उनको डिप्रेशन की बीमारी है, डिप्रेशन का शिकार है, काफ़ी एंग्शियस रहते हैं, काफ़ी मन में काफ़ी चिंताएं रहती हैं और बड़े उदास रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्या करना चाहिए आपको? उनको 8 मुखी केतु के लिए और 17 मुखी शनि के लिए उपहार में दे दीजिए, उनकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और जो अवसन्न मन है, उनका जो डिप्रेस्ड माइंड है, उसमें सुधार आ जाएगा। आप किसी घर में जा रहे हैं, जानते हैं कि उनका खूब एक्सीडेंट होता रहता है, मन उतावला रहता है, यहाँ वहाँ मन भागता रहता है, झगड़े करते रहते हैं, मंगल के लिए 6 मुखी, राहु के लिए 9 मुखी उनको दीजिए, फायदा करेगा। किसी का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, 14 मुखी दे दीजिए उनको। आप जानते हैं कि कोई ऐसा परिवार है जो कि बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन बाधाएं आती रहती हैं, इसको हम कहते हैं कालसर्प दोष। 8 मुखी 9 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष का भेंट कर दीजिए कालसर्प दोष के साथ में, बोलिए आप पहने तो सही, हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ। तो इसी प्रकार से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग काम करते हैं। आप जिसको भेंट देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, पहले ये जान लें कि उन्हें क्या देने से फ़ायदा होगा। हम आप जानते हैं कि किसी की एनिवर्सरी चल रही है, सभी मिठाई के डिब्बे लेके चले जा रहे हैं, कौन खाता है इतना मिठाई? कोई प्रेशर कुकर लेके चले जा रहा है, कोई और कुछ बर्तन लेके चले जा रहा है, घर में ऐसे ढेर बन जाते हैं चीज़ों का कि हम जानते नहीं क्या करें। फिर क्या होते जानते हैं, जो गिफ्ट आपको मिलता है फिर वो गिफ्ट आप किसी को तरका देते हैं, किसी को और दे देते हैं, पासन होता रहता है गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट दीजिए जिससे उनको कुछ फ़ायदा होगा, काम चलाने के लिए, दिखाने के लिए, ऐसे ही कुछ देना है ये समझ के देना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम यह है कंसर्न होना, प्रेम है उसके संबंध में जानकर कुछ मदद करना, प्रेम है कि दूसरों का ख्याल रखना। तो रुद्राक्ष से बढ़कर और क्या गिफ्ट हो सकता है? आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं कि माता पिता जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों की चिंता सताए रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और मोह बढ़ता जाता है, ध्यान कहाँ कर पाएंगे, भक्ति मार्ग में कहाँ चल पाएंगे, हरदम चिंता में रहते हैं। अरे देर रात और लौट आए, लौट के नहीं आए हैं, चिंता। आप विदेश में रहते हैं, इनको चिंता, हरदम चिंता सताए रहती है। अपने माता पिता को क्या देना चाहिए आपको? 1 मुखी रुद्राक्ष दीजिए, 1 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए माता पिता को, उनका ध्यान मन लगेगा, मोह से उनका मन हटेगा, अपने आप में स्थित होंगे, शांत होंगे। माता पिता को गिफ्ट करने के लिए आप दीजिए नवग्रह माला। नवग्रह माला में क्या होगा? शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, धन संपत्ति ठीक ठाक से रहेगी, मन में उदासीपन नहीं आएगा, क्योंकि शनि बुध राहु केतु मंगल सूर्य चंद्रमा सभी के बारे में नवग्रह माला होते हैं। नवग्रह माला भेंट कीजिए, आप नवग्रह माला पहनने दीजिए, उनके सभी 7 चक्र जो हैं बैलेंस हो जाएगा, वो नवग्रह की शांति रहेगी, उनका तन मन शांत रहेगा,
निरोग रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो माता पिता को देने के लिए नवग्रह माला से उत्तम क्या हो सकता है, एक मुखी से उत्तम क्या हो सकता है। आप पति हैं, आप जानते हैं कि पत्नी के मन में दुख है किस बात का, कुछ उतावलापन है, दुखी है, दीजिए राहु के लिए, केतु के लिए, शनि के लिए रुद्राक्ष दीजिए उनको, मन में अशांत है, मन में बड़ा दुख है, बुध ग्रह को शांत करने के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष दे दीजिए पत्नी को। आप पत्नी हो तो पति के लिए भी कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये मन उतावला है, राहु का प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, झगड़े करते हैं, गुस्से कर रहे हैं बेचारा, कहीं मंगल का प्रॉब्लम तो नहीं है, 6 मुखी रुद्राक्ष तो काम नहीं आएगा। सभी चीज़ों के बारे में यदि आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए 9845124158 पे, हमारा वेबसाइट को लॉगिन कीजिए, देखिए हम क्या क्या करते हैं, वीडियोज को देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, और सबसे पहले चुनाव कीजिए गिफ्ट देने के लिए रुद्राक्ष, अति उत्तम, सर्वोत्तम मैं कहूँगा, महान गिफ्ट होगा ये। तो यदि सवाल ये है कि कैन यू गिफ्ट रुद्राक्ष, डेफिनेटली येस यू कैन गिव रुद्राक्ष, यू शुड गिव रुद्राक्ष एज गिफ्ट, बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैन आई वेयर रुद्राक्ष ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन में क्या रुद्राक्ष मैं धारण कर सकता हूँ, ये चर्चा का विषय रहेगा अगले वीडियो में, इंतजार कीजिएगा। अभी विदा लेता हूँ आप समय, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।